हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स कम्प्लीटली फ्री। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस को देख पाएं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो फिलहाल आज है संडे और सुबह के 5:30 बजे हैं। जल्दी ही उठ गई थी, आजकल ऐसा ही रूटीन मैंने मेंटेन किया हुआ है। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, काम निपटा लेती हूँ, सारे दिया बाती करके फिर ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। क्योंकि हस्बैंड है नहीं घर पे, तो बीच बीच में जो हेल्प मिलती थी तो आजकल वो भी नहीं मिल रही है। वो एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए गए हैं, तो थोड़ा लंबा ही ट्रिप है इस बारी उनका, बहुत सारे काम निपटा करके आने हैं। तो बस इसी तरीके से मैं फटाफट कर लेती हूँ अपने काम, और अभी बस शावर लेकर के आई हूँ। 5:30 बजे हैं और मैं जा कर के अभी दिया बाती करूँगी। सुबह के जितने भी काम डेली वर्क होते हैं वो मेरे सारे हो चुके हैं। दूध वगैरह भी मैं सब ले आई हूँ और बिटिया अभी सो रही है। तो कोशिश करती हूँ इसी तरीके से अपना रूटीन मैं मेंटेन रखूँ, ताकि मेरे काम जल्दी से निपट जाएं और जब बेबी उठ जाए तो मैं सारा टाइम उसके साथ स्पेंड कर सकूँ, उसको अकेला ना छोड़ूँ। तो ब्रेकफास्ट मैं बना लेती हूँ जब वो जाग जाती है, बट बाकी सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अब दिया जला लूंगी। थोड़ी देर के बाद बानू भी उठ गई थी और ये चल रही है मॉर्निंग की कडल शडल्स। तो आजकल पापा के हिस्से का प्यार भी देना पड़ता है मुझे, अदरवाइज वो मिस तो करती है बहुत ज्यादा दोनों को ही, पार्थ को भी और पापा को भी, दोनों ही वो गए हुए हैं। तो बार बार जाकर के उनका रूम चेक करती है कि पापा हैं या नहीं अंदर। तो कोशिश करती हूँ मैं बहुत सारा टाइम उसके साथ ही स्पेंड करूँ, ताकि वो बिल्कुल भी लेफ्ट आउट फील ना करे। तो यहाँ पे मैं उसकी सुबह उठते ही सबसे पहले नैपी चेंज कर देती हूँ। शावर तो मैं थोड़ा लेट ही देती हूँ उसको, जब तक वो कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती है। तो बस यहाँ पर मैं उसको नैपी पहना करके पूरे दिन के लिए अभी रेडी कर दूँगी। और यहाँ पे आप गुड मॉर्निंग और हाय ले लीजिए उससे। तो मिल्क दे दिया है मैंने उसको और वो अपना मिल्क पी रही है। उसका टीवी मैंने ऑन कर दिया है, तो उसी समय फिर फटाफट आकर के मैं रूम को टाइडी कर दूँगी, क्योंकि पूरे दिन भर तो ये रूम यूज़ होगा नहीं। हम आधे से ज़्यादा टाइम जो है लिविंग रूम में ही स्पेंड करते हैं, तो रूम तो रात को ही यूज़ होते हैं। तो इसीलिए पूरा बेड में अच्छे से बना दूंगी। और ये लैम्प जो है जो मैंने यहाँ पे रखा है अभी, इसको मैं रात को यहाँ से हटा देती हूँ, अदरवाइज़ बानू बहुत ज़्यादा इसको परेशान करती है और अंदर हाथ डालती है इसको ऑन करके, तो मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं टाइडी अप करके उसके बाद मैं इसको वापस से वहीं प्लेस कर देती हूँ बेड के ऊपर। तो क्विकली आ गई हूँ किचन में, बनाऊँगी मैं ब्रेकफास्ट। वहाँ बेबी अभी खेल रही है। सबसे पहले यहाँ पे चाय बनाने रख रही हूँ, और आजकल चाय मेरी ऐसी बनती है कि बिना पानी के, सिर्फ दूध में ही मैं थोड़ी सी पत्ती और थोड़ा चीनी और ब्लैक पेपर डाल करके चाय बना लेती हूँ। मिल्क का मेरे पास काफ़ी सारा स्टॉक जमा हो गया है, तो आजकल ऐसे ही यूज़ हो रहा है। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यमी इंस्टेंट क्विक से एग रोल्स। मुझे बहुत पसंद है एग रोल, और इस तरीके का ब्रेकफास्ट मेरा हमेशा से ही बहुत पसंदीदा रहता है, जो जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन चिली और थोड़े से अनियंस मेरे पास थे, मैंने इनको काट करके बोल में डाल दिया है। उसके ऊपर से मैं 2 eggs को डालूँगी, थोड़े से मसाले, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। मसाले बस फ्लेवर के लिए, अदरवाइज़ कोई भी मसाले इसमें यूज़ कर सकते हैं। पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं भी डाले तो सिर्फ ब्लैक पेपर और आपका ये रेड चिली पाउडर से चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाली है। इवन दो मेरी अब ये ख़त्म ही हो रही है, थोड़ी सी बची थी तो मैंने इसमें डाल दी।
अब मसाले भी ऐड हो गए हैं, एग्स भी आ गए हैं, तो अब इसको अच्छे से हमें विस्क कर लेना है। आप चाहें तो एग बीटर का यूज़ कर लें, मैं सिर्फ स्पून से ही इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और एक बहुत बढ़िया ऑमलेट तभी बनता है जब वो अच्छे से फेंटा जाए, तो ऑमलेट बनाने से पहले उसको अच्छे से फेंट लें, उसके बाद ही उसे बनाएं। तवा मैंने पहले ही गरम कर लिया था और ऑयल मैंने इसमें बहुत कम यूज़ किया है। वैसे तो ये नॉनस्टिक का तवा है मेरा, चिपकता ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा ऑयल यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, बटर का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छे से मैं पूरे मिक्सचर को इसमें फैला दूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ इसको, सिर्फ एक तरफ से जब ये सिक जाएगा तो दूसरी तरफ से इसको ऐसे फ्लिप कर दें केयरफुली उठा करके, क्योंकि ये हमें पूरा एक ही शेप में चाहिए, जिस तरीके का पराठा या रोटी होती है। तो बहुत बड़ा नहीं फैलाया था मैंने इसको, जितना बड़ा एक पराठा होता है नॉर्मल साइज़ का, उतना ही बड़ा मैंने डाला है। उसके बाद मैंने ये एक पराठा बना रही हूँ, प्लेन पराठा, और ये होल व्हीट फ्लार का ही है। ऑथेंटिकली जो एग रोल होता है उसके ऊपर का जो रैप होता है ना, वो मैदे का बनता है, बट मैं मैदा यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। होल व्हीट फ्लार से ही मैं ये एक सिंपल सी रोटी बना करके उस पर हल्का हल्का ऑयल दोनों तरफ लगा रही हूँ, और ये हमारा रैप बनेगा बहुत ही बढ़िया। तो मैदा जितना हो सके, अगर आप फैमिली के लिए बना रहे हैं एक हेल्दी मील, तो मैदा कम ही यूज़ करें। तो दोनों तरफ अच्छे से सिक गया है ये, और अब मैं इसे उठा करके यहाँ प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी। थोड़ा सा इसको मुझे ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा क्रंची सा हो जाएगा, इससे ये फोल्ड नहीं होगा फिर आसानी से। तो हल्का सा जब ये ठंडा हो गया है तो मैं इस पर अब सॉस लगाऊँगी। मेरे पास है ये शेज़वान की चिली सॉस, इसको मैं पिज्ज़ा की तरह अच्छे से पूरा पराठे के ऊपर ऐसे लगा दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस जो होती है वो डाल सकते हैं, मिंट या धनिया वाली जो चटनी होती है वो डाल सकते हैं, या फिर रेड सॉस, केचप, ग्रीन चिली सॉस, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। आप इसमें मेयोनीज़ भी डाल सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए आपको। उसके बाद जो हमने ऑमलेट बनाया था उसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी केयरफुली, और पूरा अच्छे से फैलाते हुए। इसके अंदर फिलिंग्स भी आप डाल सकते हैं, कैप्सिकम की या कैबेज की, बेल पेपर्स डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, बट थोड़ा ही डालें, इससे ये फोल्ड होने में आसानी नहीं देता। तो मैं तो बहुत सिंपल सा बना रही हूँ, तो आराम से ये फोल्ड हो गया। तो अच्छे से हल्के हाथों से इसको फोल्ड करके मैं नैपकिन पेपर पर रैप कर रही हूँ। अगर आपको इसको ज़्यादा देर तक गर्म रखना है तो आप इसको फॉइल पेपर में रैप करें। मैं तो जस्ट अभी बस खा ही लूँगी, तो मैंने इसको सिर्फ नैपकिन पेपर से रैप किया है। और ये देखिए, बहुत ही माउथ वाटरिंग इंस्टेंट सा ये जल्दी बनने वाला हमारा एग रोल रेडी है, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरा तो फेवरेट ब्रेकफास्ट है ये, बना के देखिएगा, बहुत ही यमी लगता है। आप इसमें ओरिगैनो भी यूज़ कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, और मैं सर्व कर रही हूँ इसको काली मिर्च की चाय के साथ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब आ गई है नहाने की बारी, तो बेबी अब नहाएगी। ये मैंने एक टब लिया है, ये काफ़ी डीप है पूल की तरह, तो इसको हाफ मैंने फिल कर लिया है, और उसमें एक ढक्कन के हिसाब से मैंने इसमें डेटॉल यूज़ करी है, जो नहाने वाली डेटॉल होती है ना, ब्लू वाली, वो डाली है। और बस अब बैठ करके वो आराम से नहाएगी। और ये टब जो है मेरा ना प्लास्टिक का है, हमने कुकू के टाइम पे यानी पार्थ के टाइम पे इन्फ्लेटेबल पूल लिया था, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम चला नहीं, जल्दी ही ख़राब हो गया था। तो इस बार मैंने ये वाला टब लिया है, ये और ये अच्छा खासा बड़ा है, इसमें वो आराम से आ भी जाती है, उसके टॉयज भी आ जाते हैं। और इस तरीके के जो टब्स वगैरह होते हैं ना, आपके आगे भी कई सारी चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं, जैसे फैमिली फंक्शन है, बहुत ज़्यादा आपका खाना बन रहा है, सब्जियां ढेर सारी हैं, धोने में प्रॉब्लम है, तो इसमें डाल करके आप पानी स्टोर कर सकते हैं, सब्जियाँ धो सकते हैं, और भी जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, बेडशीट्स हैं, उनको भी अच्छे से सोक करके धो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में ये काम आते हैं। तो इसीलिए मैंने इस बारी ये लिया है। तो इसमें बैठ करके वो कम से कम नहीं तो एक घंटा आराम से बैठी रहती है, और ये बिल्कुल ठंडा पानी नहीं है, थोड़ा सा लूप वॉर्म है। आजकल तो वैसे भी नलों से ही गर्म पानी आता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ये देखिए मैडम, आधा पौना घंटा
अच्छे से नहाने के बाद रिफ्रेश हो गई है बिल्कुल, और अब बस इसको मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, सर वगैरह अच्छे से पोंछ दूंगी और इसको रेडी कर दूंगी दिन भर के लिए। नहाने का टाइम तो उसका सबसे फेवरेट टाइम होता है, वो बस इंतजार करती है कि कब मम्मी मुझे नहलाने के लिए ले जाएगी। और यहाँ पे मैं उसको टीका लगाती हूँ ना, जब काला टीका लगाती हूँ मैं, तो वो हमेशा जिद करती है कि मेरे को ऊपर भी लगाओ, वहाँ माथे के ऊपर। तो यहाँ फोरहेड पे तो मैं लगाती हूँ सेंटर में, वो ऊपर भी लगवाती है मेरे से ज़बरदस्ती, तो वहाँ भी लगाना पड़ता है। तो बस अब कपड़े वपड़े पहना दूंगी और इसको थोड़ा सा मैं मिल्क दे दूंगी। इसने अभी खाया था ब्रेकफास्ट मेरे साथ, थोड़ा बहुत एग खाया था बट ज़्यादा कुछ नहीं खाया, तो अभी मैं फिर से इसको मिल्क दे दूंगी। और ये है मेरे पास आधा वाटरमेलन। तो फ्रूट खाने का तो टाइम हो ही रहा है, 11:30-12 बज रहे हैं, तो मैं फ्रूट काट रही थी। यहाँ पे मेरे पास मिल्क काफ़ी सारा रखा है, मैंने अभी आपको बताया था, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसकी स्मूदी बना लूँगी इस तरीके से। वाटरमेलन खाने से बढ़िया है स्मूदी बना ली जाए, तो बिटिया को तो मैं इसी तरीके से दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं पीसेस में काट करके इसको मिक्सर जार में डाल रही हूँ, मुझे इसकी स्मूदी बनानी है। इसके जो सीड्स होते हैं ना वाटरमेलन के, सिर्फ ऊपर ही ऊपर होते हैं, बीच में नहीं होते, तो ऊपर ऊपर से सीड्स निकाल करके इसको पीसेस में आप इस तरीके से ब्लेंडर जार में डाल लें और बहुत इजीली निकल आता है, कुछ भी ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिटिया को मैंने अभी एक बनाना भी दिया था, तो वो अभी अपना बनाना खा रही है। अगर उसको वाटरमेलन चाहिए होगा तो मैं वाटरमेलन भी दे दूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं उसको स्मूदी भी टेस्ट कराऊँ। तो बच्चों को सभी कुछ टेस्ट कराना चाहिए, यू नेवर नो कि उसको उनको क्या पसंद आ जाए, उनका टेस्ट क्या अच्छा लग जाए उनको। तो बस यहाँ पे मैंने सारा वाटरमेलन जो है डाल लिया है अपने ब्लेंडर जार में। और मेरा ना ये चॉपिंग बोर्ड बहुत फिसल रहा था, तो मैंने ना इसके नीचे टॉवल लगाया है, अब थोड़ा सा मुझे ना काटने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये वाटरमेलन आ गया है पूरा ब्लेंडर जार में। और इसके बाद मैंने डाली है 1 चम्मच इसमें शुगर, आप चाहें तो ब्राउन शुगर ले लें या तो फिर इसमें हनी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1/2 कप इसमें मिल्क लिया है, और ये बिल्कुल फ्रीज वाला मिल्क है, एकदम ठंडा चिल्ड वाला जो होता है, नॉर्मल टेम्परेचर का भी नहीं लेना है आपको, गर्म भी नहीं लेना है, बिल्कुल चिल्ड मिल्क आपको इसमें लेना है। और बस इसको चर्न कर लेना है थोड़ा सा, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। और बस आप इसको फिर कप में डाल लें, स्मूदी ग्लासेस हो आपके पास तो उसमें डाल लें, लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारी स्मूदी बन करके रेडी है। इसमें आप और भी ज़्यादा ट्विस्ट दे सकते हैं, आप इसमें सोक किए हुए शिया सीड्स डाल सकते हैं या फिर बेजिल सीड्स डाल सकते हैं। मैं इस तरीके से ऊपर कट किया हुआ वाटरमेलन के पीसेस ऐड कर रही हूँ, इससे लुक बहुत अच्छा आता है। आप किनारे पर हर्शीज़ का जो पिंक वाला स्ट्रॉबेरी सिरप होता है ना, वो डाल सकते हैं डेकोरेट करने के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पे बस मेरा हो गया है एक रिफ्रेशिंग सा वाटरमेलन स्मूदी का ग्लास रेडी, और अब मैं इसको पीऊँगी। तो ये सारा काम करने के बाद अब मैं आई हूँ, एक मेरा दूसरा काम पेंडिंग पड़ा है काफ़ी टाइम से, हस्बैंड गए हुए हैं तो ये सारी चीज़ें भी रह ही जाती हैं क्योंकि वही करते हैं। तो ये मेरा कूलर का 3 पिन का प्लग है, जाने से पहले वो इस तरीके से इसको जुगाड़बाजी करके गए थे। एक्चुअली ये जो ओरिजिनल वाला प्लग था ना कूलर का, ये टूट गया था, तो ये हमारे पास ये रखा हुआ था, तो उन्होंने जुगाड़बाजी से यही लगा दिया। बट बच्चों का घर है अगर आपका, तो जुगाड़बाजी से काम नहीं चलता है, वो ख़तरनाक हो सकता है। तो मैं ये ना 3 पिन का प्लग लेकर के आई थी शाम में मार्केट से जा कर के, तो बस मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूँगी। पुराने वाले को मैं निकाल रही हूँ और इसको मैं नए वाले में शिफ्ट कर दूँगी। तो मशक्क़त तो लगी थोड़ी सी, बट हो ही गया मुझसे ये काम, अदरवाइज़ ये मेरे बस का नहीं होता, मैं इस तरीके के काम नहीं करती हूँ, हस्बैंड ही करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे मैंने सारे स्क्रूज़ को अच्छे से फिक्स कर दिया है, ऊपर का कैप लगा करके मैंने जो सेंटर में स्क्रू होता है उसको भी अच्छे से मैंने टाइट कर दिया है, और अब बस इसको ट्राई करके देखती हूँ।
तो मैंने ट्राई कर लिया था इसे और ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, इट्स वर्किंग फाइन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि वो थोड़ा सा लूज़ है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पुराना वाला जो है डिस्कार्ड कर दिया था और ये मैंने नया लगा दिया है। इस तरीके के मैं दो लेकर के आई थी, तो आगे कोई फ्यूचर में काम आ जाएगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, बनाऊँगी लंच। तीन चार दिन से तो जो बानू के लिए बन रहा था हल्का फुल्का दलिया खिचड़ी, मैं वही खा रही थी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा कुछ हैवी मैं ले नहीं रही थी। इसके अलावा मैं बिल्कुल लिक्विड डाइट पर हूँ, तो आज बस मन किया मेरा कि कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कैबेज मंचूरियन, रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। तो मेरे पास था एक छोटा सा कैबेज जिसको मैंने मैनुअल चॉपर में डाल करके अच्छे से चॉप कर लिया है। फाइनली चॉप करना है इसको बिल्कुल, क्योंकि इसकी हमें बनानी है फ्रिटर्स, यानी कि कैबेज बॉल्स, मंचूरियन बॉल्स। तो सारे के सारे कैबेज को मैंने दो बैचेस में चॉप कर लिया है, महीन चॉप करना है। आपके पास कोई भी चॉपर हो उससे कर लें, बट ये देख लें कि ज़्यादा महीन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्योर है जैसा। उसके बाद डाला है इसमें मैंने गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून के अराउंड मैंने डाला है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद डाला है थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जो तीखी वाली मिर्च होती है वो डाली है मैंने इसमें, और लास्ट में ऐड कर रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट। बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड ना करें, क्योंकि एकदम से इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाते हैं। फिर तीन चार टेबलस्पून के अराउंड मैंने इसमें डाला है कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्न फ्लावर, और तीन ही टेबलस्पून के अराउंड जो सेमी स्पून थी उसी से नाप के डाला है, और वो डाला है मैंने मैदा। तो यही सारे इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे, पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसको अच्छे से नीड कर लें, इस तरीके की बॉल्स इसकी बस बननी चाहिए, आप ये चेक कर लें। और अगर आपका थोड़ा सा ये टेक्सचर रनी लग रहा है या सॉल्ट ऐड करते ही कैबेज ज़्यादा पानी छोड़ रहा है, तो इसमें कॉर्नफ्लावर या मैदा और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल अच्छे से गरम कर लिया है और बिल्कुल हॉट ऑयल में मैं अपनी बॉल्स को इसमें डाल रही हूँ। ध्यान रहे कि तेल बिल्कुल ठंडा ना हो, अदरवाइज़ बॉल्स जाकर फट जाएंगी और इस तरीके से गोल गोल नहीं बनेंगी। और फ्राइंग जो मंचूरियन की या फ्रिटर्स की होगी ना, ये रिफाइंड ऑयल में ही होगी, मस्टर्ड ऑयल में नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ही ऑयल यूज़ किया है और दो बैचेस में मैं फ्रिटर्स बनाने वाली हूँ, यानी ये जो कैबेज बॉल्स होंगी। अच्छे से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है, और यहाँ पे हमारे फ्रिटर्स हो गए रेडी, यानी कैबेज पकौड़ा या कैबेज या मंचूरियन बॉल्स आप बोल लें इसको। सेम ही कढ़ाई में मैंने ऑयल कम कर लिया है, डाला है थोड़ा सा गार्लिक, उसके बाद डाल दी है मैंने अनियंस। और मैं हमेशा कहती हूँ चाइनीज कुकिंग में गार्लिक इज मस्ट, ज़रूर डालें आप, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक ग्रीन चिली भी मैंने इसमें डाली है कट करके। और ये कढ़ाई जो है ना, ये चाइनीज़ कढ़ाई है, आयरन की कढ़ाई है मेरी, तो चाइनीज़ इसमें बहुत अच्छा बनता है एकदम हाई हीट पे। उसके बाद मैंने कट किया हुआ इसमें कैप्सिकम डाल दिया है, आप चाहें तो बेल पेपर जो येलो और रेड वाली होती है ना वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें स्प्रिंग अनियंस भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं एट दी एंड इसमें कोरिएंडर डालने वाली हूँ, हरा धनिया। तो सारी चीज़ें अच्छे से जब हो जाएंगी मिक्स, तो इसमें डालेंगे हम सॉस। तो मैंने डाली है इसमें वाइट विनेगर, वाइट कुकिंग विनेगर, और एक चम्मच भर के डाला है, और एक ही चम्मच मैंने डार्क सोया सॉस डाली है, एक ही चम्मच मैंने इसमें शेजवान सॉस डाली है, रेड चिली सॉस डाला है, थोड़ा सा केचप, उसके बाद डाली है थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस। केचप जो है सारे की सारी इंग्रेडिएंट्स जो हमने सॉसेस डाली हैं उनके टेस्ट को बैलेंस कर देगा, क्योंकि किसी सॉस में खटास होगी, किसी में थोड़ा सा तीखापन, थोड़ी सी हमक रहती है, तो केचप उसको बैलेंस कर देती है। आप इसके जगह शुगर भी डाल सकते हैं। बहुत ही थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें सॉल्ट, क्योंकि सारी ही सॉस में कुछ ना कुछ टैंगी टेस्ट, खट्टापन और सॉल्ट होता ही है, तो सॉल्ट बिल्कुल हिसाब से डालें। उसके बाद ये एक चम्मच मैंने कॉर्न स्टार्च को पानी में मिक्स कर लिया था, उसकी मैं दो तीन चम्मच इसमें डाल रही हूँ, धीरे धीरे करके ही डालूँगी। इवन दो मेरा सारा ही ऐड हो गया था, स्लरी जितने भी मैंने बनाई थी, इससे इस ग्रेवी को अच्छी सी थिकनेस मिल जाएगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और बस ये धीरे धीरे बस पकनी शुरू हो जाती है। ऑयल भी देखिए रिलीज़ हो गया है साथ में, और ये हमारी मंचूरियन की बन रही है ग्रेवी। तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ और एकदम ड्राई भी नहीं बना रही हूँ,
बस इतना कि राइस के साथ चल जाए, क्योंकि इसके साथ मैं फ्राइड राइस भी बनाने वाली हूँ, उसकी भी रेसिपी मैं अभी शेयर करूँगी आपसे। तो यहाँ पे ग्रेवी हो गई है ऑलमोस्ट रेडी, कोई भी इसमें पाउडर्ड स्पाइसेस नहीं जाएंगे। फ्रिटर्स जो बना रखे हैं आपने, कैबेज पकौड़ा या फिर मंचूरियन बॉल्स, आप इसमें शामिल कर दें और इसको कर दें अच्छे से कोट। और ये हमारा मंचूरियन हो गया बिल्कुल रेडी। अगर यहाँ पे आपको नमक कम लग रहा है, टेस्ट करके देख लें, तो नमक यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मंचूरियन को कर लिया है मैंने डिश आउट और गार्निश कर दिया है हरे धनिए से। तो ये बहुत ही टेस्टी बना था, मैंने टेस्ट भी कर लिया था बीच में, बहुत ही यमी बना था ये, मैंने सेम डे ही खा लिया था सारा। फिर यहाँ पे बना रहे हैं फ्राइड राइस। तो एक अलग से मैंने कढ़ाई ली है, थोड़ा सा मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है, जीरा डाला है, और जीरा जैसे ही भुन गया है, थोड़ी सी प्याज और थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड की है मैंने। जब ये चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप राइस। ये राइस मैंने सुबह ही बना लिए थे, एकदम फ्रेश बने हुए नहीं हैं, सुबह ही बना लिए थे मैंने, तो थोड़ा ठंडे हो गए थे। उसके बाद मैंने सोया सॉस डाली है इसमें। और फ्राइड राइस जब कभी भी बनाए ना, तो लेफ़्ट ओवर राइस का बहुत ही बढ़िया बनता है, तो वो ट्राई ज़रूर करना। इस तरीके से फ्रेश का भी बन जाता है, बट इससे ना थोड़ा सा ये सॉगी सा रहता है, खिला खिला नहीं बनता। तो मैंने तो सुबह ही बना लिया था, तो ये खिला खिला ही बना था। उसके बाद मैंने डाला था इसमें वाइट कुकिंग विनेगर, थोड़ा सा टैंगी टेस्ट लाने के लिए। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जाती हैं, बेल पेपर येलो वाली या रेड वाली जो कैप्सिकम होती है ना, वो भी डाल सकते हैं। और बीन्स भी आप छोटा छोटा काट के इसमें डाल सकते हैं, और इसमें जा सकता है स्प्रिंग अनियन। तो जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो आप डाल लें। बस अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और मैंने उबालते समय राइस को नमक डाला था, तो यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से। और हमारे फ्राइड राइस भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। तो ये हो गया हमारा मंचूरियन और फ्राइड राइस का कॉम्बिनेशन रेडी। इंडो चाइनीज़ कुकिंग आज हुई है, तो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है ये वाला कॉम्बिनेशन। और ये टाइम है शाम के 7 बजे हैं, मैं बानू को ऊपर लेकर के आई थी टेरेस पे घुमाने के लिए। आजकल मेरी ड्यूटी लगी है उसको बाहर घुमाने की, कभी कभी बाहर ले जाती हूँ, तो कभी जब बाहर नहीं जाना होता तो फिर मैं इस तरीके से उसको छत पर ले आती हूँ। और छत पर लाने का मतलब ये है कि बस एक भी फूल बचने नहीं वाला प्लांट के ऊपर, सारे वो तोड़ देती है, इसीलिए मैं उसको बहुत कम लेकर के आती हूँ। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, टिल देन यू गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।